नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज़ अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आपको वो बराबर चीज़ें मिल रही हों और फिर कुछ ऐसा घटित हो जाए, अचानक से वो चीज़ मिलनी बंद हो जाए और आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सोचिए आपको किस टाइप की परेशानी हो रही होगी। और फिर अगर वो चीज़ आपकी जिंदगी जीने और मरने से रिलेटेड अगर हो, आपके किसी चीज़ को जीत और हार से रिलेटेड हो, सोचिए आपको अगर अपने देश को बचाने की चीज़ अगर उसमें सम्मिलित हो, तो ऐसी अगर सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे? और आपको अगर पता लग जाए कि आपको ये जो धोखा देने वाला है ये आपका बहुत ही ख़ास बंदा है, तो आपके क्या बीतेगी, आप कैसे ओवरकम करेंगे? दोस्तों, आइए समझते हैं कि पूरी न्यूज है क्या, ऐसा आखिर क्या हुआ इसराइल और यूएस के बीच में जिससे मुझे मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन्होंने एक निर्णय किया है कि अब अगर इसराइल राफा में अटैक करता है तो ये यूएस इसराइल को हथियार नहीं देगा। अब आप सोच लीजिए, इसराइल की इस वक्त ये सिचुएशन है कि एक तरफ ईरान कभी भी अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर, दूसरी तरफ हमास, उसका तो मतलब ख़तरा पूरे टाइम है ही है उनके पास, तीसरा हिजबुल्ला लेबनान के साइड में, उधर से भी कभी भी अटैक हो सकता है, कितने रॉकेट गिर जाएंगे कुछ पता नहीं इसराइल को, चौथा जो गाज़ा के लोग हैं ये इजिप्ट की तरफ गए हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई और इजिप्ट भी इनके ऊपर अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर। और ऐसे टाइम पर यूएस ने इसराइल को धोखा दिया है और उसने ये बोल दिया कि अब हम आपको हथियारों की सप्लाई नहीं करेंगे। सोचिए दोस्तों, इसराइल इस वक्त पूरी तरह से युद्ध में फंसा हुआ है, अभी तक सपोर्ट कर रही थी यूएस, उसको हथियार वगैरह सब दे रहे थे, अचानक से अब वो हथियार देने कर दिए हैं बंद। दोस्तों, यूएस के ऊपर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? सोचिए, बीच युद्ध में उसने साथ छोड़ दिया इसराइल का, हालांकि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, ये बाहर आए, सामने आए और इन्होंने अपने लोगों से बोला कि ठीक है, आज से 80 साल पहले भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि हमको मारा जा रहा था और हमको बचाने के लिए कोई भी देश सामने नहीं आया था, वो सिचुएशन आज भी है कि हमारे साथ बुरा होने जा रहा है, कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे अकेले ही सही, हम अकेले हैं तो अकेले ही लड़ेंगे, कोई हमारे साथ ना हो, भले हम बिना हथियारों के लड़ना पड़े लेकिन हम लड़ेंगे, ये उस देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोला। सोचिए, नेतन्याहू ने, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट किया है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर दोस्तों हम बात यूएसए की करें तो अचानक से ये माइंड क्यों परिवर्तित हो गया यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का? तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि इस वक्त नवंबर के मंथ में इसी साल वहाँ चुनाव होने हैं, तो वहाँ जब चुनाव होने हैं तो सबको सेकुलर दिखने का एक कीड़ा सबके अंदर आता है, तो यही कीड़ा जो बाइडेन के अंदर भी आ चुका है, वो सेकुलर दिखना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो गाज़ा में अटैक कर रहा है इसराइल वो रोक दे किसी तरीके से। अब दोस्तों, इसराइल के पास अलग प्रॉब्लम है कि वो कैसे रोक सकता है, उसके जो कुछ लोग हैं आज भी अपहरण करके उनका रखा हुआ है वहाँ पर आतंकवादियों ने, इसलिए वो तो रोक नहीं सकता है, तो उनको लग रहा है कि जो बाइडेन को कि ऐसा कर दो जिससे इसराइल अपने आप वो लड़ाई को रोक देगा। हालांकि दोस्तों, यूएस के जो पीपल हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो आज भी इसराइल को बहुत ही लाइक करते हैं, वो इसका विरोध नहीं करते, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप में भी ये जो यूएस के प्रेसिडेंट ने अभी रोक लगाया है हथियारों को इसराइल को देने से, तो उन्होंने इसकी आलोचना करी है, उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो समझते हैं कि पीपल जो हैं वो इसराइल को लाइक करते हैं और यूएस को उसका सपोर्ट करना भी चाहिए। अब दोस्तों, ये तो रही इसराइल और यूएस की बात, इससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि हथियार तो हम भी यूएस से ख़रीदते हैं, अब हमारे पास भी दुश्मनों की कमी तो है नहीं, बगल में चाइना, बगल में ही पाकिस्तान, ये तो सामने से दिख रहे हैं, और कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सामने से नहीं दिखते लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही है।
अब दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि छोटा ही मैं समझ लेता हूँ कि पाकिस्तान से ही हमारी कोई झड़प हो गई, कोई छोटी सी लड़ाई हो गई हल्की फुल्की ही सही, और हम हथियार यूज़ करते हैं यूएस के। सोचिए हम पीओके लेने जा रहे हैं, हमने लड़ाई कर दी, हमारी सेना पीओके चली गई। अब सपोज़ यूएस उसमें एक कंडीशन लगा दें कि हम आपको हथियारों के पार्ट तब देंगे जब आप अपनी सेना को पीछे करेंगे, या कोई भी एक्स वाई जेड कंडीशन लगा सकते हैं, तो क्या दोस्तों उस वक्त हम इनकी ये कंडीशन अफोर्ड कर सकते हैं? ये सोचिए, हम तो इनके सिर्फ पार्टनर हैं यूएसए के, अच्छे पार्टनर मतलब दोस्त। इज़राइल एलाई है, जियो पॉलिटिक्स में एलाई बड़ी चीज़ होती है, पार्टनर छोटी चीज़ मानी जाती है। हम पार्टनर हैं यूएस के, इन्होंने एलाई के साथ ऐसा कर दिया है। अब सोचिए दोस्तों, यूएस इतना बड़ा देश है, इतना स्ट्रॉन्ग देश है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी इमेज दुनिया के सामने क्या रखी है, इससे क्या इमेज गई है यूएस पे, लोग कितना आगे से भरोसा करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है दोस्तों। अब इस पे कुछ और अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।